Once you have decided for your operations, the next step is to plan your finances, means how much finances you will need to invest in your operations and how you gonna find those funds. बेसिकली दो आप कह सकते हो वेज है फाइनेंसिस को कलेक्ट करने के, जो कि हम सिंपल पढ़ते आ रहे हैं. या तो आप अपनी खुद की मनी इन्वेस्ट कर लो, मीन्स आप अपनी ओन मनी को यूज़ करो. ठीक है, हर कोई पर्सन यही कंसिडर करेगा कि अगर किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया गया हो तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है, जहाँ हमारे ही सारे फाइनेंसिस हैं, प्रॉफिट्स भी हमारा है. ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि अपनी मनी के साथ साथ आप अदर्स मनी को भी यूज़ करो, दूसरे लोगों की भी मनी जो है उसको यूज़ करो. ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट हो सकते हैं ना, अगर हम अगर सिंपल वेज में बात की जाए कि ऑपरेशंस जो भी हमने डिसाइड किए अपने गोल्स एंड मिशंस को अचीव करने के लिए, उनको अगर हमने चलाना है तो हमें फाइनेंसिस रिक्वायर्ड हैं. ठीक है, तो दो तरह से पैसा आ सकता है, या तो आप अपनी मनी को यूज़ कर लें या फिर आप दूसरों की मनी को यूज़ कर लें. दूसरे आपको तब पैसा देंगे जब आप उनको कोई प्लान देंगे, कोई आइडिया देंगे कि क्या आप इस बिज़नेस में करने वाले हो. ठीक है, तो हम फाइनेंशियल प्लानिंग पढ़ते हैं. एज ए सेड बिफोर कि फाइनेंशियल प्लानिंग सिंपल आप लिखते हो कि आपको कितने फ़ंड्स रिक्वायर्ड हैं, जितने भी आपने ऑपरेशंस करने हैं उन फंड्स के लिए जो जो फंड्स आपको रिक्वायर्ड होंगे. द नेक्स्ट स्टेप यू विल डिसाइड दैट हाउ मच मनी आई नीड, हाउ विल आई ऑब्टेन इट, आप वो भी सारा राइट डाउन करोगे. और मैं उस मनी को कंट्रोल कैसे करूँगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में कंट्रोल ऑफ द मनी भी आता है. ये सारे आपने काम करने हैं. पहले मनी कितनी आपको चाहिए वो देखना है, फिर आपने कहाँ कहाँ से जो है वो मनी रिक्वायर्ड है आपको वो देखना है, और फिर उसके बाद आपने उसको मैनेज कैसे करना है. ठीक है, अपनी मनी के मनी को अपनी कंपनी के अंदर किस तरह से ऑपरेशंस के ऊपर जो है वो इन्वेस्ट करना है, ये सारा का सारा काम हम क्या करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग में. मीन्स आप ये कह सकते हो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के हम तीन स्टेप्स बना सकते हैं कि पहले फंड्स देखते हैं कितने चाहिए, मतलब आप प्रोजेक्शंस लगा रहे हैं. ठीक है, प्रोजेक्शंस करना मतलब फोरकास्टिंग करना, जिसको हम कहते हैं बजट्स बनाना. ये भी आपकी प्लानिंग, मैंने बताई थी ना आपको ऑपरेशनल प्लानिंग में आप अपने बजट्स बनाते हैं. जब भी कोई ऑपरेशन स्टार्ट होगा आप अपने बजट्स डिसाइड करोगे. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बजट बनाए जाते हैं, सेल्स बजट्स जैसे कि हमने पढ़ा सबसे पहले बनता है, फिर आपका प्रोडक्शन बजट बनता है, फिर उसके बाद आप अपना कैश बजट बनाते हो. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में आपके जितने भी वो मटेरियल है, लेबर है, फ्यूच है, आप उनके भी बना लेते होते हो बजट्स. तो ये सारी की सारी प्रोजेक्शंस और फोरकास्टिंग जो है वो फाइनेंशियल प्लानिंग का हम फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं. सेकेंड आपने क्या करना होता है कि मैंने इस फंड्स को जो भी मैंने बताया कितने बजट्स हैं, इतना पैसा मुझे चाहिए, वो मैं लाऊंगा कहाँ से. ठीक है, हाउ विल आई सर्च इट, तो वो जो आपने सर्चिंग करनी है वो आपका सेकंड स्टेप है. थर्ड स्टेप ये होगा कि आप उस मनी को कंट्रोल कैसे करते हो. ठीक है, तो हम वन बाय वन फाइनेंशियल प्लानिंग को देखते हैं. जैसे कि मैंने भी बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग के हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स हो सकते हैं. पहला स्टेप होगा आप अपनी प्रोजेक्शंस लगाएंगे, हम बनाएंगे अपनी एक इनकम और एक्सपेंसेस का एक स्केड्यूल, जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी इनकम्स और कितने जो है वो सेल्स रिक्वायर्ड हैं उस इनकम को जनरेट करने के लिए. सेकेंड स्टेप आपके पास हो जाएगा, आप अपनी स्टार्टअप कॉस्ट देखोगे, स्टार्टअप कॉस्ट क्या होती है ये भी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. ठीक है, और उसके बाद आप ये देखोगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या होगा, जैसे कि मैंने कहा था कि आप अपने फंड्स को ऑब्टेन कैसे करोगे. तो ये जो थर्ड स्टेप है आपके पास ये वही है कि आप अपने फाइनेंसिस जो है वो कहाँ से लेकर आओगे. दो वेज आपके पास हो सकते हैं, दो वेज कौन कौन से हो सकते हैं फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के, या तो आपकी इक्विटी होगी या फिर आपके पास डेट होगा. इक्विटी मींस कि यूजिंग योर ओन फंड्स, जब आप अपनी मनी को यूज़ करते हो, और डेट मींस आप अदर्स मनी यूज़ कर रहे हो अपनी बिजनेस को चलाने के लिए. ठीक है, तो अभी हम वन बाय वन इन स्टेप्स को देखते हैं. अगर फर्स्ट वन की बात की जाए प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट की, सो गर्ल्स हमारा फर्स्ट स्टेप है एस्टिमेटेड योर इनकम्स एंड एक्सपेंसेस. मैंने आपको बताया था कि जब आप बजट्स बना रहे होते हो तो सबसे पहले आपने अपना सेल्स बजट बनाना होता है, और सेल्स बजट में आप अपनी जितनी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हो वो एस्टिमेट लगाते हो कि मैं इतने यूनिट सेल करूँगा, इस प्राइस पर सेल करूँगा, और आपको इतना जो है वो प्रॉफिट जनरेट हो सकेगा. तो आपके सामने अगर मैं एक प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट दिखाऊँ आपको, तो ये आपकी एक बेसिक इनकम स्टेटमेंट हो सकती है. ठीक है, जिसमें आपने अपना एस्टिमेटेड सेल रेवेन्यू लिखा होता है, जो कि आप कैसे लेकर आते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ यूनिट्स जितने आप सेल कर सकते हो उनको मल्टीप्लाई कर देते हो उनकी पर यूनिट कॉस्ट के साथ, जो उनकी प्राइस आते होती है जिस पर आपने उसको सेल करना होता है, जिस प्राइस पर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सेल्स रेवेन्यू आ जाएगा. अब ये जो प्राइस है जिसके साथ आपने मल्टीप्लाई किया है, इसमें आपके इस प्राइस के दो पोर्शंस होते हैं, एक होती है आपकी कॉस्ट और दूसरा होता है आपका प्रॉफिट. ठीक है, तो वो प्रॉफिट का पोर्शन आप ऐड करके देन सेल्स रेवेन्यू लेकर आते हो, उसमें से लेस कर देते हो आप अपने CGS को. और ये चीज़ आपको पता है कि CGS जो है वो तीन चीज़ों से मिलकर बनता है,
डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है एंड FOH होता है आपके पास, इन तीनों को मिलाकर आपके पास CGS आ जाता है। बेसिकली जो आपके यहाँ पर C है टोटल, आपका टोटल कॉस्ट जो आपको उस प्रोडक्ट को बनाने पर आई होती है वो आपका CGS होता है, ठीक है। अगर इसमें से प्रॉफिट के पोर्शन को निकाल दिया जाए तो आपके पास CGS बन जाता है। मीन्स अगर हम पर यूनिट कॉस्ट को उसके यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास CGS आ जाएगा। ये भी आपका एस्टिमेटेड होता है कि इतने प्रोडक्ट्स में सेल करूँगा तो उसमें इतना जो है वो सेल्स रेवेन्यू, जिसको आप टर्नओवर भी कहते हो, वो रिसीव होगा, ठीक है। और इन जितने प्रोडक्ट्स मैंने सेल करने हैं उनको बनाने पर मुझे कितनी कॉस्ट आएगी, मुझे कितना मटेरियल रिक्वायर्ड होगा, कितनी लेबर रिक्वायर्ड होगी और कितने जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रिक्वायर्ड होंगे, वो सारे अगर आप एस्टिमेट लगा लेते हो तो आपके पास CGS बन जाता है। वो CGS जब आप अपने सेल्स रेवेन्यू में से लेस करते हो तो आपका क्या बन जाता है, आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है आपका। अगर आप यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था आपकी सेल प्राइस होती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट आपके पास आता है, तो इसमें से अगर इसको लेस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट का पोर्शन ही आएगा ना। तो सिंपल हम इनकम स्टेटमेंट में यही प्रोजेक्शन कर रहे होते हैं, सेल्स रेवेन्यू में से अपने CGS को लेस करते हैं, हमारे पास एक ग्रॉस प्रॉफिट का पोर्शन आ जाता है, ठीक है। उस ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने अपने लेस करने होते हैं अदर ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से हो सकते हैं? मार्केटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं, उनको आप लेस करते हो तो आपके पास जो प्रॉफिट बचता है वो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ठीक है। ये फाइनेंशियल टर्म्स में साथ साथ इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि अगर आप इस दोनों में से किसी से भी फेमिलियर हैं तो आपको जो है वो प्रॉब्लम ना हो। तो ये भी आपका प्रॉफिट वो है जो कि अभी मतलब ये वो नहीं है जो कि आप अपना सेव कर सकते हो, इसमें से भी अभी आपने अदर एक्सपेंसेस को लेस करना है। आपको पता है कि पहले आप अपने एक्सपेंसेस देखते हो, अपनी इनकम्स में से उनको लेस करोगे, अगर कुछ बचेगा देन वो आपका प्रॉफिट होगा। तो ये जो EBIT है, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, उसमें से अभी आपने अपना इंटरेस्ट का एक्सपेंस लेस करना है और टैक्सेस भी लेस करने हैं। आपको पता है कि इंटरेस्ट किसको आपने पे करना होता है? अपने क्रेडिटर्स को, उन पर्संस को जिनसे आपने डेट लिया होता है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है, जो आपके जिनसे जो आपके क्रेडिटर्स होते हैं उनको आपने इंटरेस्ट पे करना होता है। और बिफोर पेइंग टू योर ऑनर्स आप अपने क्रेडिटर्स को पे करते हो, इसलिए हम सबसे EBIT में से पहले किसको लेस करते हैं? इंटरेस्ट को। देन आप अपने टैक्सेस को लेस करते हो, आपके पास आ जाती है नेट इनकम, ठीक है। अगर आपकी कंपनी में प्रेफर्ड स्टॉक है, प्रेफर्ड स्टॉक का आपको पता है, आपके कुछ शेयर्स कॉमन शेयर्स होते हैं, कुछ शेयर्स प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको डिस्टिंग्विश करने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो प्रेफर्ड स्टॉक को आपको पता है कि पहले जो है वो पे किया जाता है और उनमें दोनों के एस्पेक्ट्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स भी होते हैं और वो क्रेडिटर्स की तरह के प्रिविलेजेस भी ले रहे होते हैं, तो इसलिए हम उनको कॉमन शेयर से पहले डिविडेंड पे करते हैं। तो आप अपनी नेट इनकम में से पहले प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड लेस करते हो, जो अमाउंट आपके पास रिमेनिंग रह आती है वो कहलाती है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर्स। जो लास्ट पर आपके पास अमाउंट बचेगी, आप उसके दो काम कर सकते हो, या तो आप अपने कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड पे कर दो, ठीक है, आप उनको डिविडेंड पे कर दो, या फिर आप उसको रिटेन्ड कर लो, रिटेन्ड अर्निंग्स में सेव कर लो। तो कुछ पोर्शन आप डिविडेंड भी पे कर सकते हो, कुछ पोर्शन आप उसको रिटेन भी कर लेते हो। ये जो मैं आपके सामने बता रही हूँ ये आपकी प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट होती है, जो कि अभी आप सोच रहे होते हो। जब भी आप अपना पीरियड स्टार्ट करोगे आप उससे पहले एस्टिमेट लगाओगे कि मुझे कितने यूनिट सेल करने हैं, उन यूनिट्स को बनाने पर कितनी कॉस्ट आएगी। अब कॉस्ट आनी है आपके प्रोडक्ट्स को बनाने के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें आपके पास डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, इसमें आपके पास लेबर भी है और इसमें आपके पास FOH भी है, ठीक है। इन ये दोनों आपके डायरेक्ट होते हैं एक्सपेंसेस, ये दो होंगे देन ही आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, और ये इनडायरेक्ट होते हैं लेकिन ये भी रिक्वायर्ड होते हैं। अब आपको ये चीज़ पता है कि जब आप कॉस्ट ऑफ गुड्स को कैलकुलेट करते हो, कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि दैट वेरी विद द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट, जितनी यूनिट्स आप बनाओगे उतनी ही वो चेंज होगी, ठीक है। जैसे कि मटेरियल एंड लेबर है, जितने आप प्रोडक्ट ज़्यादा बनाओगे उतनी ही आपकी मटेरियल और लेबर की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। दे हैव अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन विद सेल्स कॉस्ट। ये जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर के, इनको हम वेरिएबल एक्सपेंसेस कहते हैं। वेरिएबल एक्सपेंसेस वेरी विद द सेल्स वॉल्यूम, हर आउटपुट के यूनिट के साथ साथ ये भी इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ होते हैं। सेल्स इंक्रीज़ होंगी तो वेरिएबल एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होंगे, सेल्स डिक्रीज़ होंगी तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी क्या हैं, डिक्रीज़ होंगे।
दूसरी साइड पे अगर हम एफओएच की बात करें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो इसमें से कुछ एक्सपेंसेस वेरिएबल होते हैं, कुछ आपके पास फिक्स्ड होते हैं। फिक्स्ड होने का क्या मतलब है? दैट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ द आउटपुट। मीन्स चाहे आप जीरो भी प्रोडक्शन हो आपकी, आपने जीरो यूनिट्स प्रोड्यूस किए हों, ये वाली कॉस्ट स्टिल एग्जिस्ट करेगी। मीन्स आपकी एक फैक्ट्री है, आपने वो रेंट पर जो है वो जगह ली हुई है, आपकी कंपनी में काम नहीं हो रहा, लेकिन रेंट तो आपको पे करना पड़ेगा ना, तो रेंट आपका फिक्स्ड एक्सपेंस है। चाहे आप कुछ प्रोड्यूस करें, चाहे आप कुछ प्रोड्यूस ना करें, फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेंस फिक्स्ड, रिमेंस सेम, ठीक है। उसके अलावा आपको जो है डिफरेंट एक्सपेंसेस हम यहाँ पर देख सकते हैं, जिसे आप डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। चाहे आप अपना एसेट यूज़ करते हो, चाहे आप अपना एसेट यूज़ नहीं करते, डेप्रिसिएशन होती ही है। तो ये एक्सपेंसेस आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहलाते हैं, ठीक है। तो मटेरियल और लेबर जो है वो आपके ज़्यादा वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, और जो अदर एफओएच एक्सपेंसेस हैं उनको हम फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। कुछ ऐसे भी एक्सपेंसेस होते हैं जो कि वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड एलिमेंट दोनों पोर्शंस उनमें पाए जाते हैं, जैसे कि सुपरविजन है, ठीक है, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं एंड फिक्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी हमने प्रोजेक्शंस कर ली हैं। जब भी कोई स्मॉल बिजनेस ओनर अपना जो फर्स्ट स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को जब एस्टिमेट करने लगता है, तो उसने पता क्या करना होता है, उसको एक लेवल ऑफ यूनिट जो है लेने की बजाय दो तीन लेने चाहिए। मीन्स उसको अपना एस्टिमेट लगाना चाहिए कि अगर मैं जो है वो नॉर्मल काम करूं, फॉर एग्जांपल, तो मैं इस प्रोडक्ट के 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता हूं। अगर मैं थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लूं तो 20 बना सकता हूं, लेकिन अगर मैं अपनी सारी मेहनत जो है अब डिवोट कर दूं अपने काम के ऊपर, तो मैं इस मंथ में जो है वो 30 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर सकता हूं। मतलब नॉर्मल में 10 है, थोड़ी सी मेहनत की तो 20, और अगर मैंने अपनी पूरी जो है वो फुल कैपेबिलिटीज़ को यूज़ कर लिया तो मैं 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकती हूँ। आप जो है वो इस तरह का एस्टिमेट लगाएं, इनके ऊपर अपने जो सेल्स प्राइस आपने सेट की है वो देखें, उनके साथ मल्टीप्लाई करें, और देन जो है आप अपने नेट प्रॉफिट की तरफ जाएं और अपने जो अर्निंग्स अवेलेबल हैं उनको देखें, और फिर देखें कि मुझे कितने यूनिट्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। मतलब आप डिफरेंट जो है सिचुएशन अपने सामने रखें ताकि आपको पता हो कि कौन सा मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। जब आपने अपनी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस को देख लिया हो कि ऑपरेशनली मुझे कितने इनकम्स रिक्वायर्ड हैं और कितने एक्सपेंसेस मुझे हो सकते हैं, जो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट कह लें, या फिर आप उनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के नाम से ज़्यादा जानते हैं, ये वो चीज़ें हैं जो कि आपने अभी बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया लेकिन आपको इन चीज़ों को इनिशियली इन्वेस्ट करना पड़ता है, जैसे कि आपकी बिल्डिंग है, आपके मटेरियल्स हैं, आपकी मशीन्स इक्विपमेंट्स हैं, उसके अलावा आपकी इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल्स हैं, पर्सोनल हैं आपके, ये वो लोग हैं, ये वो चीज़ें हैं जिनको जो होंगे देन ही आप अपने जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि आपके स्टार्टअप कॉस्ट भी कहलाती है, इसको हम स्टार्टअप कॉस्ट भी कहते हैं, जो कि अभी आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको इनके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ता है। आपको एक फैक्ट्री चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए जहाँ पर आपने अपनी कंपनी स्टार्ट करनी है, बिज़नेस स्टार्ट करना है, फैक्ट्री लगानी है, उस फैक्ट्री के अंदर आपके पास मशीन्स होनी चाहिए। अभी तक आपने कोई प्रोडक्शन नहीं की तो मशीन्स के लिए भी तो पैसा चाहिए ना, मशीन्स लगाने के लिए। पर्सोनल जिनको एम्प्लॉयज़ को हायर करना है, उन एम्प्लॉयज़ को कुछ पे करेंगे देन ही वो आपके पास आएंगे काम करने के लिए। उसके अलावा आपने रॉ मटेरियल्स परचेज करने हैं, इन्वेंट्री परचेज करनी है। अभी तक प्रोडक्शन नहीं है लेकिन इन्वेंट्री लेकर आएंगे देन ही प्रोडक्शन हो सकती है ना। तो ये जो आपकी सप्लाइज, आपकी एम्प्लॉयज़, आपकी मशीनरी, आपके इक्विपमेंट्स हैं, ये सारे आपके स्टार्टअप कॉस्ट हैं जो कि आपको तब बियर करने पड़ते हैं जब आपके प्रॉफिट्स बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, अभी तक आपने प्रोडक्शन भी स्टार्ट नहीं की होती। अब आपको जितने भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर जितने भी आपको स्टार्टअप कॉस्ट रिक्वायर्ड है, आप उसका भी एस्टिमेट लगाएंगे कि मुझे जहाँ पर फैक्ट्री लगानी है, जो मेरी बिल्डिंग है उसका क्या एक्सपेंस होगा, जो मेरे मैंने पर्सोनल्स हायर करने हैं उनको मैंने स्टार्टिंग पे कितनी सैलरी पे करनी है, इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल सप्लाइज़ वगैरह हैं उन पर मुझे कितनी कॉस्ट आएगी, उसके अलावा जो आपने बिज़नेस फॉर्म बनानी है उसके लिए भी तो एप्लीकेशन फाइल करनी है ना, उसको रजिस्टर करवाने पर भी आपको पैसा चाहिए। उसके अलावा सेल्स प्रमोशन मतलब मार्केटिंग आपने बहुत करनी है, उसके लिए भी आपको पैसा चाहिए। आपको इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं, मशीन्स परचेज करनी है, ये सारे जितने भी होंगे आप यहाँ पर इनकी एक एक अमाउंट का एस्टिमेट लगाओगे कि मुझे स्टार्टिंग पे जब मेरे प्रॉफिट्स बिल्कुल ज़ीरो होंगे ये सारी अमाउंट्स जो है वो रिक्वायर्ड है, इतना इन्वेस्ट करूँगा और फिर काम स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो वो जितनी भी आपके पास डॉलर अमाउंट होगी उसको देखोगे आप कि हम जो है इतना पैसा मुझे रिक्वायर्ड है, क्या मैं इस पीरियड में इतना पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ कि नेक्स्ट पीरियड में मैं जो है वो प्रॉफिट
प्रॉफिट जनरेट करूँ और इसको जो है वो आहिस्ता आहिस्ता राइट ऑफ करता जाऊँ, ठीक है। अब कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप अपने पास कैश रखें, ठीक है, लिक्विड कैश। लिक्विड कैश मीन्स जो आपके पास करेंसी पड़ी होती है। तो गर्ल्स, आपको हमेशा एक चीज़ अपना कॉन्सेप्ट जो है उसको बिल्ड करने की ज़रूरत है कि कैश डज़ नॉट जनरेट रेवेन्यू। अगर आपके पास कैश आइडल शेप में पड़ा है, आपने सिर्फ उसको अपने पास रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं आपको आज 5,000 रुपीज़ देती हूँ और आप वो पकड़ कर अपने लॉकअप में रख देते हो, लॉकर में रख लेते हो, तो उस लॉकर में आप एक साल बाद देखोगे तो वो जो 5,000 रुपीज़ होंगे वो उतने के उतने ही रहेंगे। वो जो भी पीस ऑफ पेपर है आपका नोट का, वो 5,000 का 5,000 ही रहेगा। नेक्स्ट ईयर जाओगे तब भी वो 5,000 होगा। चाहे आप उसको 10 साल बाद भी लॉकर को ओपन करोगे तो वो 5,000 का 5,000 ही पड़ा होगा। इट मीन्स के कैश अगर आप अपने पास सिर्फ रख लेते हो तो वो आइडल मनी होती है, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं करती। कैश एंड रेवेन्यू जो है दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है। रेवेन्यू जो है वो प्रॉफिट जनरेट करता है, कैश हम यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। मीन्स आपके पास जो मैंने आपको 5,000 रुपीज़ दिए थे ये वाले जो आपने लॉकर में रख दिए, अगर आप लॉकर में ना रखते, आप सोचते कि मैं किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेता हूँ या फिर किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ या फिर किसी को लोन दे देता हूँ, ठीक है। तो इन फाइनेंशियल टर्म्स हम ये कह सकते हैं कि आपने उसको 5,000 दिया या फिर आपने इन्वेस्टमेंट की, तो उसके ऊपर आपको साथ साथ रिटर्न भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो उस रिटर्न जो है जो मिलता रहेगा वो आपके इस 5,000 को इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। अगर आप 5,000 की आज फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन परचेज कर लेते हैं तो आज से 5-6 साल बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो गई होगी। वो 5,000 का नोट 5,000 का नहीं रहेगा, वो एक्सीड कर जाएगा। मीन्स बताने का पर्पज़ ये है कि कैश को यूज़ करना चाहिए रेवेन्यू को जनरेट करने में। अगर कंपनीज़ में बात की जाए, अगर आपके पास बैलेंस शीट में आइडल कैश लिक्विड कैश पड़ा हुआ है तो आप उसे क्या कर सकते हो, किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर सरप्लस है तो इन्वेस्टमेंट कर लें, आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कैश जो है वो रेवेन्यू में कन्वर्ट हो जाएगा एंड रेवेन्यू जनरेट्स प्रॉफिट। और अगर सेल्स की बात की जाए, कैश आपके पास है, कैश से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसको प्रोसेस किया और उसको किस में कन्वर्ट कर लिया, रेवेन्यू में, ठीक है। गर्ल्स, लास्ट में हमारे पास आ जाता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दो चीज़ों पर बेस करता है, आपकी इक्विटी एंड डेट। अगर हम इक्विटी की बात करें तो इक्विटी कैपिटल होता है आपका, जो कोई भी पर्सन आपकी इक्विटी परचेज करेगा ही विल बिकम योर ऑनर, ठीक है, वो आपके साथ आपका ऑनर बन जाएगा। अगर स्मॉल बिजनेस में बात की जाए तो आप फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की बजाय ये कह सकते हो कि जब आपने फंड्स को लोकेट करना होता है, आपने पहले एस्टिमेट लगा लिया कि इतनी जो है मुझे एक्सपेंसेस के लिए इतना पैसा रिक्वायर्ड है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए मुझे इतनी मनी रिक्वायर्ड है, आप सबसे पहले ये देखोगे कि व्हाट्स इन योर पॉकेट, आप खुद कितना इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो कोई भी स्मॉल बिजनेस ऑनर है ये तो नहीं ना कर सकता कि अपना घर बार सारा कुछ जो है वो सेल कर दे, अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको सेल कर दे, उससे जो है जितना पैसा आता है वो इन्वेस्ट कर दे अपने बिज़नेस के अंदर, उस बिज़नेस के अंदर जो कि रिस्क पर बेस करता है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि आपका बिज़नेस जो है वो एक्सेल करेगा या फिर नहीं करेगा। आपने अपनी सारी प्रॉपर्टी सेल कर दी और वो सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया उस बिज़नेस में जो कि बहुत अभी रिस्कियर है, अभी स्टार्टिंग है। तो ये कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। किसी भी स्मॉल बिज़नेस ऑनर को ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करना एक जो है आप ये कह सकते हो कि क्रेजीनेस है, कि आप इतना जो है रिस्क टेकर इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आप सारी मनी जो है वो एक ऐसे बिज़नेस में इन्वेस्ट करो जिसका अभी तक फ्यूचर डिसाइडेड नहीं है। देन स्मॉल बिज़नेस ऑनर करेगा क्या, वो ये कर सकता है कि जब वो स्टार्ट करता है स्मॉल बिज़नेस तो अपनी जॉब कंटिन्यू रखे, ठीक है, जो जॉब है उसको कंटिन्यू रखे, पार्ट टाइम जॉब कर ले या फिर अपनी जॉब पे टाइम पर जाए, लेकिन जो उसका बिज़नेस है उसको अपना पार्ट टाइम रख ले, ठीक है। ठीक है, उससे होगा क्या कि जॉब से उसको मनी आती रहेगी और उसका जो है वो एक फाइनेंशियल बैकअप होता रहेगा, और जो वो बिज़नेस कर रहा है उसका स्टार्टिंग है, अभी वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो फ्यूचर में जाकर उसको फिर उस जॉब को कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरा, वो ये कर सकता है कि जॉब छोड़ दे, जितनी उस जॉब से उसको इनकम रिसीव होती है उतनी इनकम अपने बिज़नेस से अपना पोर्शन रखे कि इतना प्रॉफिट मैंने अपना सेट असाइड करते जाना है और सेव करते जाना है, ठीक है, और बाकी जो बिज़नेस का प्रॉफिट होगा वो बिज़नेस में ही यूज़ करे। तो ये हो सकता है कि जब स्मॉल बिज़नेस ऑनर अपने खुद के मनी यूज़ करता है तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकता है। बाकी अगर हम जो है वो इक्विटी और डेट की बात करें, इक्विटी मींस ये आपके शेयर्स होते हैं जो कि आप अपनी पब्लिक को सेल करते हो,
फॉर द सेक ऑफ देयर मनी, आप उनसे मनी ले लोगे और आप उनको ये कहोगे कि आप हमारी कंपनी के ऑनर्स बन जाएंगे। आपको पता है कि इक्विटी जब आप परचेज करते हो, शेयर्स जब आप परचेज करते हो, तो आप अपनी कंपनी के अगर ऑनर्स बन रहे हो, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिविडेंड मिलेगा जो कि फिक्स्ड नहीं होगा, आपके पास वोटिंग राइट होगा, आप कंपनी में के डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप कंपनी के हर एस्पेक्ट में जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो भी मैनेजर्स हैं वो आपकी वेलबींग के लिए काम कर रही हैं, ठीक है। दूसरी साइड पे अगर हम डेट की बात करें, जो कि आपने दूसरों की मनी यूज़ करनी है, जो लोन लेकर आनी है, यहाँ पर जो आपके पर्सन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स आपको, आपने एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद आप उनका जो डेट है उनको वापस कर देंगे और एक फ़िक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर आप उनको इंटरेस्ट पे करेंगे। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, चाहे लॉस हो रहा है, हमारे क्रेडिटर्स को हमने एक स्पेसिफिक रेट ऑफ रिटर्न जो होता है वो ज़रूर पे करना है। दोनों क्रेडिटर हैं चाहे ऑनर हैं तो हमारे इन्वेस्टर्स ना, तो इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड आर रेट ऑफ़ रिटर्न, जिसको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ़ रिटर्न भी कहते हैं, उस रेट ऑफ़ रिटर्न को हमको पे करना ही करना है, चाहे कोई ऑनर है चाहे वो क्रेडिटर है, दोनों रिस्क टेक कर रहे हैं, ठीक है। रिस्क क्या है कि कंपनी अभी स्टार्ट है और वो अपना मनी पे कर रहे हैं, तो उस रिस्क को अपना जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ़ रिटर्न जो है वो रिक्वायर करेंगे। तो चाहे आप ऑनर्स हैं तब आप उनको डिविडेंड की शेप में उस रिक्वायर्ड रिटर्न को पे कर रहे होते हो, और अगर क्रेडिटर्स हैं तो आप फिर इंटरेस्ट की शेप में उस रिक्वायर्ड रिटर्न को पे कर रहे होते हो, ठीक है। तो ये आपकी कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर भी कहलाता है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इक्विटी और डेट से मिलकर ही बनता है, ठीक है। और किसी भी कंपनी को ये नहीं करना चाहिए कि सारी इक्विटी जो है वो इन्वेस्ट करे, डेट का पोर्शन भी ज़रूर रखना चाहिए। उसके बाद आपकी बुक में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है वेंचर कैपिटलिस्ट का। वेंचर कैपिटलिस्ट बेसिकली ये एक फर्म है जो कि आपको स्टार्टअप कॉस्ट प्रोवाइड करती है। अगर आप दूसरी साइड पे इस कॉन्सेप्ट को मिलाना चाहो तो आप जो है ये कह सकते हो, जैसे गर्ल्स अंडर राइटर्स होते हैं पर्सन्स, आपके शेयर्स आपसे तब परचेज करते हैं जब आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जिसे कहता है, कहा जाता है IPO, तो आप जो है अंडर राइटर्स को हायर करते हो और आप अपने शेयर्स उनको दे देते हो, फिर ये उन पर है कि वो आपके शेयर्स पब्लिक को सेल करते हैं या फिर वो खुद अपने पास रिटेन करके रखते हैं। वैसे ही अंडर राइटर्स की तरह की एक जो है वो कंपनी है जहाँ पर उसने यूज़ किया है वर्ड वेंचर कैपिटलिस्ट का, जो कि आपको स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो हाई रिस्क ले रहे होते हैं इसलिए वो हाई प्रॉफिट भी जो है वो लेते हैं। जब आपकी कंपनी स्टार्ट होती है तो वो आपसे ये कहते हैं कि प्रॉफिट के साथ साथ हमें पार्शियल ऑनरशिप भी दी जाए। जैसे जैसे कंपनी एक्सेल करने जाए लगेगी और कंटिन्यू रहेगी, ऑपरेशंस परफॉर्म करती रहेगी, तो वो जो उनकी पार्शियल ऑनरशिप है उसको भी राइट ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर वो जो सिंगल ऑनर है वही अपना ऑनर बन जाता है। इन सिंपल वर्ड्स, आप किसी बैंक से लोन लेते हो, ये कहते हो कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, तो वो बैंक कहता है कि मैं आपके साथ ऑनरशिप में पार्टिसिपेंट बन जाता हूँ। जो प्रॉफिट होगा उसके तीन पोर्शंस होंगे, एक पोर्शन में आप मेरा इंटरेस्ट पे करना, दूसरे पोर्शन में आप मेरा जो प्रिंसिपल का पोर्शन है वो पे करना, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हम उनको राइट ऑफ कर देंगे तो फिर आप अकेले ऑनर बन जाते हो। ये एक कॉन्सेप्ट था।